नतीजों के बाद बीजेपी की सहयोगियों ने बनाई दूरी। एनडीए की बैठक में दो बड़ी पार्टियां नहीं हुई शामिल। दरअसल आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के नतीजों से बीजेपी के नेतृत्व वाला एनडीए को बड़ा झटका लगा है। इस नतीजे के बाद बुधवार को दिल्ली में एनडीए की बैठक हुई। इस बैठक में बीजेपी के सभी सहयोगी दल शामिल हुए। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी ने अपने दोनों सहयोगियों से दूरी बना ली है, उन्हें इस बैठक में आमंत्रित भी नहीं किया गया। दरअसल उत्तर प्रदेश में बीजेपी की चार प्रमुख सहयोगी पार्टियां हैं। इस चुनाव में दो पार्टियों को अपनी सीटें गंवानी पड़ी है। इनमें से घोसी लोकसभा क्षेत्र में सुभा सपा के अरविंद राजभर को हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी ने गठबंधन के जरिए यह सीट सुभा सपा को दे दी थी। बीजेपी ने गठबंधन में निषाद पार्टी को भी एक सीट नहीं दी। हालांकि इसी पार्टी के प्रवीण निषाद को बीजेपी ने संत कबीर नगर से उम्मीदवार बनाया था, लेकिन इस बार प्रवीण निषाद भी हार गए। वह पहले इसी सीट से निर्वाचित हुए थे। इस बीच माना जा रहा है कि एनडीए की बैठक में सुभाष सपा और निषाद पार्टी को नहीं बुलाया गया है, क्योंकि उनके पास कोई सांसद नहीं है। सूत्रों के हवाले से बुधवार को होने वाली एनडीए बैठक के लिए बीजेपी की ओर से अभी तक संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर को आमंत्रित नहीं किया गया है। इसके अलावा इस चुनाव में रालोद से जयंत चौधरी और अपना दल SSA अनुप्रिया पटेल को भी बैठक में बुलाया गया है। इस चुनाव में इन दोनों पार्टियों के उम्मीदवारों को जीत मिली है, इसी के चलते उन्हें दिल्ली में एक अहम बैठक के लिए बुलाया गया है। खास बात यह है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। बीजेपी दूसरे और कांग्रेस तीसरे नंबर पर है।